सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, थके तो नहीं? हाँ, मर्द को दर्द नहीं होता है। तो मैं बहुत ही मशहूर हूँ स्टाफ मेंबर्स का, जिन्होंने आज हमारे साथ कॉपरेट करा इस चीज में, तो पहले भी किया है। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल, स्पेशली मणिगम हाई स्कूल, जिन्होंने हमेशा ताउन दिया है इस चीज में। जेके पुलिस का एक ही मकसद है कि हमने इस वबाई बीमारी को, ड्रग्स एब्यूज को हमेशा के लिए खत्म करना है कश्मीर में। तो इसमें हमें सोसाइटी के हर तबके से हमें कोऑपरेशन मिलनी चाहिए। खास तौर पर हमारा फोकस रहता है स्कूल्स पे, क्योंकि स्कूल्स में इस वक्त आप जो बच्चे हैं, ये टीन एज में आप सब चल रहे हैं, तो इस चीज़ में आपको सही और गलत में वो फर्क जो है क्लियर नहीं होगा। जब आपको उसका किराम गाइड करेंगे, पेरेंट्स गाइड करेंगे, और आप जब उस चीज़ को समझेंगे, फिर आप एक अच्छे रास्ते पे चलेंगे, क्योंकि आपका कैरियर जो है वो यहीं से ग्रूम होना है, यहीं से आपका कैरियर बनना है, यहीं से आप अपने अपना फ्यूचर बना सकते हो। कोई IAS बनना चाहता है, कोई IPS, कोई बिजनेसमैन, या कोई स्पोर्ट्स फील्ड में जाना चाहता है। तो हर एक फील्ड में जाने के लिए आपको एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। सो दैट एजुकेशन यू विल गेट फ्रॉम योर टीचर्स, सो यू शुड रेस्पेक्ट देम, एंड यू शुड यू नो एवरी टाइम जो भी वो बोलते हैं वो आपकी भलाई के लिए बोलेंगे, क्योंकि उनको पर्सनल खुश नहीं होता इसमें। तो टीचर्स हमेशा हमें अपना सर का ताज रहना चाहिए। जब मुझे अपने टीचर्स ने पढ़ाया, तब जाके मैं आज यहाँ पर हूँ, पढ़ा लिखा, फिर मुझे नौकरी मिली, तो मैं सेटिस्फाई हूँ अपनी ज़िंदगी में। जो भी मुझे मिला यहाँ तक, मैं सेटिस्फाई हूँ। तो इंशाल्लाह मैं यही दुआ करूँगा कि आप भी आगे बढ़ के एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। तो ये बात ये आप देख रहे हैं, कानपुर में मैं पिछले 1.5-2 साल से हूँ, तो यहाँ पर ड्रग्स जो है बहुत फैला था। तो हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, और ये सिर्फ SHO क्रॉलवुड की तरफ से नहीं हो रहा है, ये जब तक मैं यहाँ पर कॉपरेशन मिलती तब तक ये पॉसिबल था। ये तो यहाँ पर मैं स्टाफ्स का, जो यहाँ पर लोकल्स हैं, PRIs हैं, या हमारे रिलायबल सोर्सेज भी हैं, उन सब का शुक्रगुजार हूँ कि उनकी बदौलत हम कामयाब हो गए किसी हद तक। तो अभी पूरा ये क्लियर नहीं हुआ, इंशाल्लाह हम इस पर भी काम कर रहे हैं, आगे भी इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इस बात पर थोड़ा बहुत जो है वो नज़र रखनी है कि ये जो ड्रग माफिया है, जैसे अभी इरफान सर ने बहुत अच्छा यहाँ पर फरमाया, वैसे तो मुझे वर्ड्स कम पड़ रहे हैं, क्योंकि मैं पूरा वो ना वो सारे वो जो पॉइंट्स हैं मैं वो कवर किया, तो मुझे बोलने के लिए कुछ रखा ही नहीं। तो बहुत अच्छा लगा उनको सुन के। यहाँ पर कुरान, सबसे पहले उनने कुरान की एक आयत कोट की, उसमें भी अल्लाह ताला यही फरमाते हैं कि इससे दूर रहे, नशा जो है ये एक बीमारी है, इसे दूर रहे, क्योंकि इसमें जब इंसान नशा लेता है तो इसमें अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं रहती है। तो जब अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं रहती है तो हम इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है, तो इसीलिए इस्लाम ने ये मना किया है। उसके बाद ये जो ड्रग माफिया है, ये कोशिश करते हैं इस टीन एज को पकड़ने के लिए। जब आप तक ये ड्रग्स आएगा, सबसे पहले ये कोशिश करेंगे आपको फ्री में लेने के लिए। जब आपने फ्री में लेना शुरू किया और बाद में आप इसके एडिक्ट हो गए, एडिक्शन के बाद आपने पेरेंट्स को लूटना है, उनकी चोरी करनी है, क्योंकि वो बहुत ही महंगा है ड्रग्स। तो उससे क्या है, एक तो आपको इकोनॉमिकली फैमिली में प्रॉब्लम हो रही है, आपकी चोरी करें उसके पैसे उड़ा रहे हैं, दूसरा आपने हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं, आप बीमारी में मुबतला हो रहे हैं। और अल्लाह ताला बचाए, ये ऐसी गंदी चीज़ है ये ड्रग्स। अगर आपको ये चीज़ देखना है, कभी थाने में आए, कभी रिहैबिलिटेशन सेंटर पे जाए और खुद देखें इन ड्रग्स वालों के साथ होता क्या है। जब इनको ड्रग्स नहीं मिलता, ये हमारे पैरों में गिर जाते हैं, बोलते हमें वो पॉलिश दे दो, हम पॉलिश खाएंगे, सबसे गंदी चीज़ होती है वो। तो लेकिन उनका दिमाग ही काम नहीं करता है उस टाइम पे, उनकी सोच ही खत्म होती है। इरफान सर ने बोला ना, इसमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, शिज़ोफ्रेनिया है इसमें, आपका वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी हो जाता है, इसमें स्ट्रेस वगैरह ये सब कुछ चीज़ें वो ना, पूरा मेंटल जो है सेटअप वो बिगड़ जाता है। तो इंसान कुछ नहीं समझ पा रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ। और बदकिस्मती की बात है, बहुत अच्छे अच्छे घरों के पढ़े लिखे लड़के भी इस फील्ड में चले गए। तो कोशिश कर रहे हैं हम उनको वापस लाने के लिए, इसके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं हमारे पास, जहाँ पर इनका इलाज भी हो रहा है बाजा तौर पर। और ख़ासतौर पर पेरेंट्स को, पेरेंट्स की जिम्मेदारी ज़्यादा है कि वो अपने बच्चों को चेक करें, टाइमली चेक करें कि इसका उठना बैठना
किन लोगों के साथ है, कौन सा फ्रेंड सर्कल है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, पेरेंट्स पर ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। तो साथ साथ मैं टीचर्स का यहाँ बहुत ही मशकूर हूँ जिन्होंने इतने कम समय में हमारे साथ कॉपरेट किया और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया। तो इंशाल्लाह आई होप नेक्स्ट टाइम हम कुछ अच्छा वो ग्रैंड पैटर्न पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे। तो यहाँ गर्मी की वजह से आप भी तंग आए हो, मैं देख रहा हूँ आपके चेहरों पर भी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अच्छा एक ग्रैंड हम प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह।